कई कई केसेस में तो ऐसे डिसीजन होते हैं कि पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, जैसे शादी का डिसीजन। ठीक कह रहा हूँ, ये गलत भी कह रहा हूँ? क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कई लोग अगेंस्ट हैं इसके कि नहीं करनी चाहिए, बच्चे भी नहीं करने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो, कई लोग सपोर्ट में हैं, बच्चे कई तो लोग हो जाते इसके हैं, बच्चे कोई करता नहीं है। सर वो मैं उसके सपोर्ट में हूँ, बट कई लोग उसके अगेंस्ट हैं। हाँ, नहीं तो जो आप कह तो रहे सही हो, कौन है और गलत कौन है, जो सपोर्ट में है या जो अगेंस्ट सही है? गलत कुछ नहीं होता है। देखो, सर लाइफ में वही बहुत सारी किस, ऐसी चीजें हैं जो हमको पता है कि नहीं करनी चाहिए। कई जैसे लोग फॉर एग्जांपल अगेंस्ट कहते हैं। हैं कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए, सबको पता है ना ये बात, टाइम पास कर लो, दोस्त बना लो, ये प्यार व्यार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बुरी हालत होती है, बंदा फंस जाता है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी क्या होता है, हो जाता है सर। पता है ना सबको। हाँ, जी सर, शादी करनी चाहिए क्योंकि या ये नहीं भी मत करनी समझो, नहीं चाहिए? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने शादी नहीं करी है और बहुत दुखी है, और जिसने करी है वो तो सारी दुखी है। हाँ, तो आपको आंसर मिल गया है, क्लियर समझ आ गया है ना ये, कि शादी का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? प्रिपेयर रहना है दोनों के लिए। दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? शादी का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हो सकता है मेरी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम्स कम आए, या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? हो सकता है शादी के बाद ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते हैं। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या निकल करके आ रहा है? अलग हो जाएगी, दूसरी कर लेंगे, और क्या है। आज तो वेबसाइट भी आ गया, secondshaadi.com। क्या है, होती है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना? तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो कर लो शादी, अगर नहीं हो तो मत करो शादी। बट नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पकड़ लेते हैं एक बार वो भी। शादी नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? शादी ना करने का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, अकेले हैं, कहीं पर भी पड़ जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये वो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? लोनलीनेस। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ के यार दोस्त हैं वो भी कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन सब करेंगे। तो एंड में क्या आप अकेले नहीं रह जाओगे? कोई गेट टुगेदर हो रही होगी तो वहां पे भी पहले देखा जाएगा कि चलो इसको इनवाइट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, घर पे पार्टी है, क्योंकि इसकी भी बीवी बच्चे हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, ये अकेला, इसको छोड़ो। ऐसा होगा, अकेले रह जाओगे। जो अकेलापन कुछ टाइम तक या एक पर्टिकुलर एज तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वही अकेलापन अंदर ही अंदर आदमी को तंग करता है। और ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में है, जिन्होंने ये पंगा लिया यानी शादी ना करने का, तो वो कोई बहुत खुश नहीं है। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक साथ रहेंगे क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ, एक साथ रह के क्या कर लेगा? एक साथ रह के क्या कर लेगा? साथ रह के बहुत कुछ होता है ऐसे। हाँ, तो कहाँ जाता है आप लोगों का दिमाग? अरे अश्लील भरे पड़े हैं। बहुत कुछ मतलब क्या? मतलब सिर्फ सेक्स होता है बहुत कुछ है, और कुछ नहीं आता बहुत कुछ पे? अरे बहुत कुछ होता है। तो जो भी डिसीजन आप लोगे, चाहे शादी करने का चाहे नहीं करने का, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि भाई आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं बोल सकता। और कोई बोल रहा है तो उसकी सुनना भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको इसलिए कहेंगे शादी करने के लिए क्योंकि खुद तो फंस गए हैं, कहेंगे बेटा तू भी कर ले, जब आपका कट जाएगा तब, मतलब जब आपका, हाँ, जब आप भी फंस जाओगे, ये एडिट कर देंगे हम, जब आप भी फंस जाओगे तब वो असलियत बताएंगे आपको। जब आप जा करके, मजे की बात बता रहा हूँ आपको, देख लेना, जब आपकी शादी हो जाएगी ना और आपकी वॉट लगेगी, जब एक तरफ आपकी बीवी होगी एक तरफ आपकी माँ होगी और दोनों आपस में लड़ मार कट रहे होंगे, अब आप जा करके अपने उस दोस्त से बात करोगे, यार बड़ी टेंशन है, अरे ये तो होना ही था। तो औरों से मत सलाह लो, किसी से पूछो मत कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, खुद डिसीजन लो बाय टेकिंग बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू अकाउंट। और फिर सिर्फ यहीं तक बात नहीं खत्म होगी, तब आपको यह भी देखना होगा कि ये बेस्ट केस सिनेरियो तक कैसे पहुंचा जाए।
कुछ ऐसे भी कपल्स आपको नजर आएंगे अपने आसपास में, अगर देखोगे ढूंढोगे, जो हैप्पीली एवर आफ्टर जिसको बोलते हैं, है ना, हाँ, उनसे समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं भी समझा रहे तो उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे मैं इंस्पायर्ड था जब व्हेन आई वाज अराउंड 8 or 10 years old, तो मेरा एक दोस्त होता था, उसके जो पेरेंट्स थे वो केजी से साथ में थे, तो मैंने कहा केजी से कोई साथ में कैसे हो सकता है, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ इंस्पायर्ड विद देयर स्टोरी, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता था, मैं देखता रहता था, अच्छा क्या है क्या नहीं, लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बाहर से सिर्फ दिखा रहे हैं, एक्चुअल में बड़े पीसफुली एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो मैं ऑब्जर्व करता रहता था। तो मैंने वहां से जो चीज समझी और उसको अपनी लाइफ में लगाई वो क्या था, दोस्ती होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो तो अब आपकी फिजिकल क्लोजनेस कितनी है कि एक दूसरे का बस हाथ ही पकड़ करके बैठे हुए हो, तो शुरू में और कई बार क्या होता है गैप इतना ज्यादा आ जाता है स्पेशली इंडिया में कि हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है, बीवी भी शर्मा रही है, पति भी शर्मा रहा है, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। हाथ भी पकड़ रहे हो तो मतलब एज अ फ्रेंड कि आप वी आर देयर विद ईच अदर, कि बैठे हो टीवी देख रहे हो साथ में, ऐसे पीछे हाथ रख दिया बस, अपना आराम से साथ में बैठ करके हग करके एक दूसरे को टीवी देख रहे हो, हग मतलब पूरा हग नहीं, मतलब वैसे अब हल्का सा हाथ रखा हुआ है, टच किया हुआ है, फिजिकली एक दूसरे के पास में हो, है ना। मुझे कुछ याद आया, मैंने कहा बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बता देता हूँ। मतलब मैं कई बार ये भी, मतलब जैसे हमारे घर में क्या होता है, मैं और मेरी वाइफ वी आर लाइक फिजिकली क्लोज टू ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब बैठे हैं साथ में, जैसे टीवी देख रहे हैं कुछ भी है तो ऐसे बैठे हैं, उसने मेरे यहाँ पे सर रखा हुआ है ना, और कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, कुछ भी है तो मेरा जो उसमें क्या हंसने वाली बात है यार, मतलब क्यों हंसी आई, वैसे किसने कुछ कमेंट मारा था या वैसे ही? सर आप शर्मा रहे हैं। अच्छा मैं शर्मा रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं मैं बताता हूँ मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। तो मेरा बेटा है, ही इज अराउंड 12 years old, तो उसका एक पेटेंट एक एक्सप्रेशन है, जैसे ही हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, मतलब थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में तो उनके सामने मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है, जैसे कस के थोड़ा सा मैंने उसको हग कर लिया या उसने मेरे को हग कर लिया, है ना ऐसे, तो उसका एक टिपिकल एक्सप्रेशन है, वो आता है और ऐसे करके चला जाता है, क्या बात है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे मेरा सरदर्द नहीं भी हो रहा, बहुत बार ऐसा मैं करता हूं कि सरदर्द नहीं भी हो रहा तो जाकर के बैठ जाता हूं उसके पास में, मतलब जैसे वो बैठी है सोफे पे, मैं नीचे बैठ गया, मैंने कहा सर में बड़ा दर्द हो रहा थोड़ा, एक्टिंग, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। ये जो टच होता है ना, टच विदाउट अ मोटिव, दिस इज लव, ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी मेरी ये बात। इस तरह से जब आप लाइफ को देखने लग जाते हो तो यहां से निकल करके आता है बेस्ट केस सिनेरियो। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ईगो। सारी लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है, मैं तू 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 मैं यही तो है, तू ये तू वो मैं ये मैं वो मैं वो मैं वो, मैं सही तू गलत, हम में ये सब होता ही नहीं है, हम में गलत सही नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, शांति है, पीस है, इसी को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं जी।